तो वही बात याद रखनी है आपको, वंस प्लेस पे कोई जीरो नहीं आएगी, टेंस प्लेस पे 1 0, 100 प्लेस पे 2 0, 1000 में 3 0, 10,000 के लिए कितनी जीरोस लगाते हैं, 4 0, एंड लैक के लिए 1 लैक के लिए कितनी जीरोस, 5 0। तो ये आपको याद रखनी है। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, बच्चों देखो एक सिटी है कोई बड़ी सी, उसकी पॉपुलेशन इतनी है, वाओ। तो यहाँ पे देखो वंस वंस कितने हैं, 5, तो यहाँ पे 5 वंस। अच्छा टेंस प्लेस पे क्या है, 0, तो 0 टेंस। 100 प्लेस पे 3, तो 300। 1000 प्लेस पे 2 है तो 2000। टीटी मीन्स 10,000, तो 10,000 प्लेस पे क्या है, 4 है तो 4 10,000। और लैक प्लेस पे क्या है, 2, तो 2 लैक्स। अच्छा मैंने क्या बताया था, लैक्स में कितनी जीरोस आती हैं, 5, तो देखो मैंने 2 के पीछे कितनी जीरो लगाई हैं, 5 जीरोस। अच्छा 10,000 में कितनी जीरोस आती हैं, 4 जीरोस। अच्छा 1,000 में कितनी आती हैं, 3 जीरोस, तो 2 के पीछे कितनी जीरोस पुट की हैं, 3 जीरोस। तो ऐसे ही 100 में 2 जीरोस, और ये तो 0 टेंस है तो 0 आ जाएगा। अच्छा 5 वंस, तो वंस में तो कोई जीरो नहीं आती, 5 एज इट इज रहेगा। तो ये क्या बन गई है बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म। बाद में हम यहाँ पे जीरो को कट कर देंगे, गायब कर देंगे, क्योंकि जीरो की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं ना, जीरो को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नंबर सेम आएगा। तो ये बन जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेजी क्रेजी शॉप। क्या है, लेजी क्रेजी शॉप। बच्चों ये एक लेजी क्रेजी शॉप है। लेजी क्रेजी कौन है, ये जो फोक्स दिखाई दे रही है आपको, ये लेजी क्रेजी है। इन्होंने क्या किया हुआ है, दिस इज द जंगल शॉप। ये क्या है, जंगल में एक शॉप है। लेजी क्रेजी गिव्स थिंग्स ओनली इन पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स। तो इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, या तो हम आइटम्स देंगे 10 के पैकेट्स में, या 100 के पैकेट में, या लूज आइटम्स में। अब जैसे ये मंकी आया, मंकी क्या कहता है, गिव मी अ पैकेट ऑफ 20 बनानास। ये कहता है 20 बनानास का पैकेट दे दो। तो उन्होंने क्या बोल दिया, सॉरी आई डू नॉट हैव पैकेट ऑफ 20 बनाना, बिकॉज आई गिव थिंग्स ओनली इन पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स। तो 20 का तो मेरे पास पैकेट ही नहीं है, है ना। तो चलिए आगे, इसमें इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स ईच एनिमल विल टेक, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल इन्होंने सोल्व दिया है, रैबिट है, रैबिट ने कितनी कैरेट खरीदी, 143। तो लेजी क्रेजी ने इसको, अब अगर आप इसको ब्रेक करके देखो, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बनाओगे तो क्या बनेगी, बताइए बताइए, 100 प्लस 40, है ना, 100 प्लस 40 प्लस 3, है ना। तो यहां पे देखिए उसने क्या दिया, 100 आइटम्स का एक पैकेट दे दिया 100 कैरेट्स का। अच्छा 40 का मीनिंग क्या बताया था मैंने, यस यस 4 टेंस, तो 10 10 आइटम्स के कितने पैकेट दे दिए, 4। अच्छा 3 तो लूज है, तो लूज आइटम्स में कितनी कैरेट्स दे दी इसको, लूज अलग से 3 कैरेट्स। ऐसे ही ये हाथी राजा आए हैं, एलिफेंट, एलिफेंट ने क्या किया, शुगर केन, तो शुगर केन उनको कितने शुगर केन चाहिए, 210। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, 200 प्लस 10। तो 200 का तो कोई पैकेट है नहीं, 100 100 के कितने पैकेट्स दे देंगे इसको, 2 पैकेट्स, बिकॉज 100 प्लस 100 इक्वल टू 200। अच्छा 10 10 आइटम्स का तो पैकेट है, तो एक पैकेट इसको कैसा मिल जाएगा, 10 आइटम्स का। ओके सिमिलरली आपको ये आगे के क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको आंसर्स दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पे आपको टेबल में फिल करने हैं, तो ये क्या बनेगा, 200 प्लस 40 प्लस 2। 200 का तो कोई पैकेट है नहीं, तो 100 100 के 2 पैकेट्स, 40 के लिए 4 पैकेट 10 10 के, 4 पैकेट 10 10 के, और लूज आइटम्स में कितने मिल जाएंगे इसको, 2, है ना। चलिए आगे, लेजी क्रेजी ऑल्सो हैज अ क्रेजी वे ऑफ टेकिंग मनी। लेजी क्रेजी जो है वो पैसे भी अलग तरीके से लेती है, कैसे लेती है, कैसे लेता है, ही टेक्स ओनली इन 100 नोट्स, 100 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, और 1 रुपीज कॉइन। तो या तो वो 100 रुपीज का नोट लेगा, या 10 रुपीज का नोट लेगा, या 1 रुपीज का कॉइन लेगा, ठीक है। नाउ फाइंड आउट हाउ दे विल पे हिम फॉर व्हाट दे हैव टेकन। जैसे यहाँ पे देखिए, हाथी राजा के कितने रुपए बने,
420, तो इसको ब्रेक करो क्या बनेगा 400 प्लस 20, तो 400 के लिए कितने नोट देने पड़ेंगे 100 रुपीज के, 400 यानी कि 4 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, और 20 के लिए 20 क्या होता है 2 टेंस, 20 इज इक्वल टू 2 टेंस, तो 2 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। अच्छा ऐसे ही रैबिट के कितने रुपए बने 143, तो इसको ब्रेक किया एक्सपेंड किया 100 प्लस 40 प्लस 3 यानी कि 100 रुपीज का एक नोट, 40 मीन्स बताइए 10 रुपीज के कितने नोट्स, 40 इक्वल टू 4 टेंस यानी कि 4 नोट कितने कितने रुपए के 10 रुपीज के। अच्छा 3 रुपीज का कॉइन होता है, नहीं होता और ये लेता भी नहीं, तो 1 रुपीज के कितने कॉइन्स 3 कॉइन्स, ठीक है। तो यहां पे आप देख लीजिए जैसे मंकी है 242, तो 200 प्लस 40 प्लस 2 एक्सपेंड कर लिया 200 मींस 100 रुपीज के कितने नोट 2 नोट्स, अच्छा 40 मींस 10 रुपीज के कितने नोट 4 नोट्स, और 2 मींस 1 रुपीज के कितने कॉइन 2 कॉइन्स। ओके थैंक यू।